हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें आपसे 15 मजेदार पहेलियां पूछी जाएगी। मजेदार के साथ साथ रहेगी इंटरेस्टिंग पहेलियां, आपको मजा आने वाला है, बने रहिए वीडियो के साथ। पहली पहेली, एक कॉपी लो और उसमें एक लाइन खींचो, उस लाइन को आपको बिना छुए छोटा करके दिखाना है। 5 ही सेकेंड है, आराम से सोचो, और सोच लिया होगा कमेंट करके जरूर बताना जवाब जानने से पहले। तो मैं बताता हूँ जवाब, उस लाइन के टच करते हुए एक और लाइन खींच दो तो पहले वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। कैसी लगी पहेली? दूसरी पहेली, एक लड़की मई में पैदा हुई पर उसका जन्मदिन मई में नहीं मनाया जाता, 1 जून को मनाया जाता है, तो बताइए कैसे? आप आराम से सोचिए, वीडियो को पॉज कर लेना अगर आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका जवाब है, वो लड़की मई में, मई गांव में पैदा हुई थी, मई गांव पड़ता है हाथरस जिले उत्तर प्रदेश में, और उसका जन्मदिन मनाया जाता है जून में, क्योंकि वो 1 जून को उसका जन्म हुआ था। तीसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन होती है लेकिन सिर नहीं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल पहेली है, आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताना जानने से पहले। मैं बताता हूँ इसका उत्तर, सही जवाब है बोतल, जिसकी गर्दन होती है लेकिन सिर नहीं। और इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई आंसर आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। चौथी पहेली इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। बना पहाड़ों में घर सुंदर, बना पहाड़ों में घर सुंदर, आना है तो आओ, धूप अंधेरा मेरे अंदर, कहीं ना डर तुम जाओ। पॉज कर लेना अगर दिक्कत आ रही है तो। उत्तर बताता हूँ, सही जवाब है गुफा। पांचवी पहेली है, वो क्या है जो देने से बढ़ता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल पहेली है, मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताना। सही जवाब है ज्ञान, विद्या, जो आप जितना ज़्यादा दूसरों में बांटेंगे उतना ही ज़्यादा आप में बढ़ेगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्ञान को अपने खुद के पास ही नहीं दूसरों में भी फैलाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा। तो छठी पहेली देख लेते हैं, पगड़ी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सर पर उसका तेल लगाओ। वापस रिपीट करता हूँ, पगड़ी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सर पर उसका तेल लगाओ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पहेली, सही जवाब है नारियल, नारियल का तेल भी होता है, और नारियल खाने में भी काम होता है और पीने में भी काम आता है। सातवीं पहेली, आधी धुप्पा आधी छैया, जो समझे चालाक है भैया। थोड़ी मुश्किल पहेली है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब अनुमान कर पाते हैं। सही जवाब है चारपाई। आठवीं ब्रेन टीजर आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने इस प्रकार है, ऐसा कौन सा इंग्लिश सेंटेंस है जिसमें A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं? थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोचिए कि ऐसा कौन सा सेंटेंस हो सकता है, और इसका जवाब तो ज़रूर बताना जानने से पहले। बताता हूँ, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। वापस, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। देखिएगा, इसमें पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अगली पहेली है, गोल गोल चेहरा मेरा, पेड़ से है रिश्ता गहरा। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। सही जवाब है रोटी चपाती। दसवीं पहेली है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार बोलूँगा, ऐसा कब होता है जब आप लाल पे चलते हैं और हरे पे रुक जाते हैं? थोड़ी सी मुश्किल पहेली है, कम ही लोगों को इसका जवाब आएगा। सही जवाब है तरबूज, जब आप तरबूज खाते हैं तो लाल खाते खाते हरा जब उसका नीचे का पार्ट आता है तो रुक जाते हैं। ग्यारहवीं पहेली है, ऐसा कौन सा काम है जिसे इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कॉमन पहेली है। सही जवाब है अंगदान, जिसे इंसान मरने के बाद भी कर सकता है। और अगर आपको इसके अलावा और कोई जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 12वां सवाल है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 5 सेकंड है आपके पास, सिंपल है, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ हाथी उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब है जयपुर सिटी,
पिंक सिटी जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है, जहाँ कई हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। 13वीं पहेली इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपके पास 3 केले हैं, उन्हें आपको 2 माँ और 2 बेटियों में बांटना है, आप कैसे बांटेंगे? इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। सही जवाब बताता हूँ, सही जवाब है इसका आप वो, क्योंकि 3 ही जने हैं, माँ बेटी और सासू माँ, तो 3 केले 3 लोगों में एक एक करके बांट लेंगे। सवाल का जवाब समझ में आएगा, बताना ज़रूर। तो 14 पहेली है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हिंदी को जर्मन भाषा में क्या कहेंगे? वन ऑफ द ईजिएस्ट पहेली ऑफ दिस वीडियो। सही जवाब है हिंदी को जर्मन भाषा में भी हिंदी ही कहेंगे। 15वीं आखिरी पहेली इंटरेस्टिंग, क्योंकि थंबनेल वाली पहेली, सभी खाली जगह पर एक ही शब्द आएगा, आपको बताना है वो शब्द। डैश सिंह नाम का एक व्यक्ति डैश खरीदने के लिए डैश घर गया। ध्यान से सुनिएगा, जब वो वहाँ पहुँचा तो अचानक उसे डैश बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक डैश लगाकर वहाँ से एक डैश खरीदा और घर लौट आया। आपको इस पहेली के लिए मिलेंगे 10 सेकंड। सोचिए कि ऐसा कौन सा वो शब्द हो सकता है जो सभी खाली जगह पर आएगा। तो आपने सोच लिया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता दिया होगा। तो सही जवाब है सभी खाली जगह पर घंटा शब्द आएगा। बताता हूँ कैसे। घंटा सिंह नाम का एक व्यक्ति घंटा खरीदने के लिए घंटा घर गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो अचानक उसे घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक घंटा लगाकर वहाँ से एक घंटा खरीदा और घर लौट आया। तो ये थी 15 मज़ेदार पहेलियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और अपने दोस्तों में भी आप शेयर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।